कौन है भाई? अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या यार? आ रहा हूं मैं, रुको। बारिश में भी लोगों को चैन नहीं है। अरे कौन है? दरवाजा कौन लॉक कर रहा था? कमाल। क्या चाहिए? टेलीफोन लगाने आया। टेलीफोन? लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर किया नहीं। ऑर्डर है मेरे पास फोन लगाने का, इसी जगह का एड्रेस है। हाँ, अब तुम आए गए हो तो लगा दो, आओ। भाई कमाल है, इस बारिश में भी तुम ये सब सर्विस दे रहे हो, मानना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ। फोन कहाँ लगाओ? फोन एक काम करो तुम, इसको इसको ये थोड़ी साफ सुथरी जगह लग रही है। अरे ये क्या? फोन ही तो है। अरे लेकिन इस जमाने का फोन है भैया, कोई एक अच्छा सा पीस लेकर आते यार। आपने तो ऑर्डर किया था। मैंने कब ऑर्डर? क्या मुझे मेरा ही फोन बज गया। हेलो, हाँ राज, कैसे हो भाई? बस यार अभी फ्लैट शिफ्ट किया है तो मैं, थैंक्स अ लॉट यार, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें जरूर फोन करूंगा। थैंक्स अ लॉट, ओके सी यार, बाय। अरे भाई चाय पानी? ये कहाँ गया? फोन लगा के एकदम से? अरे अरे फोन वाले भाई साहब, कहाँ गया ये आदमी? अभी तो फोन लगाया इसने और कहाँ गायब हो गया? अरे फोन वाले भैया, हाँ चला गया यार ये आदमी। मैंने तो यहाँ का नंबर किसको दिया ही नहीं, इनफैक्ट मुझे खुद नहीं मालूम यहाँ का नंबर। तो हेलो 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 हेलो, कौन है भाई? क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो यार? हेलो हेलो, इस घर में अगर दूसरा फोन है तो फिर ये
मजाक कहां से रही है? इस आवाज ने मुझे पागल कर दिया माइक। आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? शुक्र आवाज तो बंद हुई। पागल कर दिया था इसने मुझे। रास्ता तो बंद है, लेकिन हम तो काफी आगे आ गए हैं, वापस भी नहीं जा सकते। अब हम क्या करेंगे? दुर्जय ने हमें फौरन बुलाया है। हर्ष प्लीज कुछ करो। भाई साहब, भाई साहब। हाँ साहब। ये रास्ता क्यों बंद है? साहब भारी बारिश की वजह से आगे लैंडस्लाइडिंग हुई है और रास्ता बंद है आगे। कब तक खुलेगा रास्ता? आज रात को तो चांस नहीं है साहब, कल सुबह ही कुछ हो सकता है। यहाँ पर कोई होटल वगैरह है जहाँ पर हम रुक सकते हैं? होटल तो नहीं साहब, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है, शायद वहाँ पे आप लोगों को पनाह मिल जाए। शुक्रिया। चलो, अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं, चलते।
अब अगर हमें इस घर में पना नहीं मिली तो मैं यही कहीं बेहोश हो जाऊंगी। देखिए अमीनी, तू बेहोश मत होना प्लीज, वरना बेचारे हर्ष का क्या होगा। देखा, आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब नो बिजली। पर अब हम क्या करें, इतनी रात हो गई और आसपास कोई होटल भी नहीं। सड़क पर बहुत पानी भर चुका है, ऐसे में जीप चलाना काफी खतरनाक हो सकता है। तो क्या करें, यही सो जाए क्या? दरवाजे तो खुले, इसका मतलब जरूर घर के अंदर कोई होना चाहिए। ऐसे किसी के घर में छोरे छुपे घुसना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है यानी। यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। इसके पहले कि हमारे टॉर्चेस की बैटरी खत्म हो जाए, हमें यहाँ मोमबत्ती ढूंढनी चाहिए। ये आवाज, ये आवाज कैसी? क्या हुआ? कौन कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी जी, हम काफी देर से आपके घर का दरवाजा खटखटा रहे थे लेकिन किसी ने खोला नहीं। आई एम सॉरी, बाहर मौसम बहुत खराब है इसलिए हम यहाँ पे चले आए। आसपास कोई होटल भी नहीं है, बस आज रात के लिए। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, बस आज रात के लिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। I'm sorry guys, पर इस तरह अनजान लोगों को हम यहाँ रुकने नहीं दे सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग इसी वक्त यहाँ से चले जाए। प्लीज। पर अब ठीक है, आपको तकलीफ देने के लिए हम माफी चाहते हैं। चलो एक सेकेंड कुशल, ये लोग भले लोग लगते हैं, इन्हें एक रात यहाँ रुकने देते हैं। एक काम कीजिए, साइड में एक रूम है, वहाँ रुक जाइए। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, आई होप कि इनकी वजह से हमारा प्लान खराब ना हो जाए। तुम चिंता मत करो कुशल, हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
ये दोनों कुछ अजीब नहीं थे? छोड़ो ना यार उन दोनों को, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने चला। तुम्हारा नाम राघव नहीं कुंभकर्ण होना चाहिए था, जब देखो सोना चाहते हो। जो नाम रखना है रखो, मैं तो चला सोना। राघव उठो, यामिनी बैठ के ऊपर सोएगी। तो हम लोग कहाँ सोएंगे? नीचे जमीन पर गद्दे बिछे हुए हैं। दिस इज नॉट फेयर यार, अर्ज मुझे नीचे नींद नहीं आती है। राघव देख ली तेरी दोस्ती, देख लिया तेरा प्यार, मेरी मत मारी गई थी जो ये भूत पकड़ने के धंधे में आया, अब भुगतो राघव बेटा, सो जाओ जमीन पे। गुड नाइट हर्ष। गुड नाइट यामिनी। गुड नाइट हर्ष, स्वीट ड्रीम्स। ये कैसी आवाज है? लगता है फोन की घंटी बज रही है। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? चलो देखते हैं। सारा ने फोन उठा लिया, चलो चलते हैं। हर्ष मुझे एक्चुअली ना बहुत प्यास लगी है यार, थोड़ा पानी पी ले क्या? ठीक है चलो। कौन बोल रहा है? ये कहीं उसका फोन तो नहीं था? मुझे कुशल को बताना चाहिए। मुझे ये फोन उठाना ही नहीं चाहिए था, कुशल ने भी तो मना किया था, अब मैं क्या करूं? लो भैया, कुछ तो उजाला हुआ। अरे यामिनी तुम कहाँ रह गई थी? वो सारा। सारा क्या हुआ सारा को? जब उसने दोबारा फोन उठाया तो किसी ने उसे धमकी दी और घर से चले जाने के लिए कहा। क्या, लेकिन वो घर तो सारा का ही है ना, तो फिर कोई उसे ऐसी धमकी क्यों देगा? पता नहीं, उसने कहा कि घर से जल्दी से चले जाओ वरना वो आ जाएगी। वो? ये वो कौन है? मुझे तो लगता है कि सारा के ऊपर कोई बहुत भयानक खतरा मंडरा रहा है।
मुझे तो वो फोन ही भयानक लगता। उसकी घंटी सुनी है ना तुम दोनों ने, और उस औरत की आवाज कितनी भयानक थी। कहीं उस फोन में तो गड़बड़ नहीं है? इस फोन में डायल टोन तो नहीं है क्या? तो फिर ये फोन बच कैसे रहा है? बारिश का मौसम है, हो सकता है फोन डेड हो गया हो। फोन डेड नहीं है, ये देखो। ये क्या, इसकी तो तार निकली हुई, तो फिर ये बच कैसे रहा है? हर्ष, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? कहीं इस फोन के अंदर एक आत्मा तो नहीं? ओह माय गॉड, ये देखा तुमने? देखा, ये वापस बज रहा है। नहीं हर्ष, फोन मत उठाना। नहीं हर्ष, कुछ नहीं होगा। हर्ष प्लीज, कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो, देखो बार बार हमें फोन करके परेशान मत करो वरना पुलिस को फोन कर देंगे, समझी तुम? हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, सुना? हम ये घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। कुशन, कहीं ये वही तो नहीं? उसने कहा था कि अगर हम घर छोड़ के नहीं गए तो मैं आ जाएगी। अंत उसे, मैं भी देखता कि वो क्या करती। फोन करना तो दुर्बकी, फोन के नाम से भी काफी। देखिए, इस फोन को गौर से देखिए, इसकी तार निकली हुई है। What? ये फोन कहाँ से? ये फोन जरूर कोई दूसरी दुनिया से आ रहा है, इसमें जरूर कोई आत्मा का चक्कर है। What nonsense is this? इससे बड़ी बेवकूफी की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मैं देखता हूँ। कुशल, 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 कुशल रुक जाओ, कुशल नहीं, कुशल, कुशल, प्लीज कुशल, वो ही होगी, दरवाजा मत खोलो। सारे रिलैक्स। कुशल प्लीज, कुशल। एक्चुअली मेरा नाम है दीप और ये है वानी, माय वाइफ। जी मैं ऋषि हूँ और ये मेरी वाइफ नताशा। क्या आज रात के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं प्लीज? ओके, आप लोग अंदर आ जाइए। सारा, लेकिन इस घर में तो सिर्फ दो ही कमरे हैं। कोई बात नहीं, लड़कियाँ एक रूम में सो जाएंगी और लड़के एक रूम में, आप अंदर आइए। बाहर से आवाजें आ रही है। आवाज, ध्यान से सुनो। यामिनी, ये आवाजें कैसी? पता नहीं, शायद कोई कॉरिडोर में कुछ घसीट रहा है। Thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.